Now see here, that is the exercise 3.4, statistics, question number 4, okay. So now in question number 4, what is given? The average marks in statistics of 30 students is 52, okay. So here N1 plus N2, that is 30, okay. And here X bar combined mean, that is 52, okay. So combined mean aapko diya hua 52 or N1 plus N2 diya hua 30, okay. So here N1 plus N2 is equal to 30. उसके बाद आपको दिया है कंबाइंड मीन भी दिया हुआ है कंबाइंड मीन ओके कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है दैट इज 52 ओके वो दिया हुआ है उसके बाद क्या दिया हुआ है फ्रॉम फ्रॉम दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ सिक्स स्टूडेंट्स इज 31 तो यहां पे सिक्स स्टूडेंट्स का कितना है एंड सो एन1 कितना है 6 है ओके एन1 कितना है 6 दिया हुआ है बराबर तो अभी एन1 6 दिया हुआ है तो एन2 क्या होगा स्कूल का वैल्यू दिया तो 6 प्लस N2 is equal to 30. 30 में 6 माइनस करो तो 24 आ जाएगा फिर बट उसको ऐसे सिस्टमेटिक करना हो तो N1 की वैल्यू हम लोग 6 कर दो N2 का वैसे ही होगा 30 का वैसे ही होगा ओके अभी N2 is equal to 30 ये सर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ओके सो देयरफॉर N2 is equal to 24 बराबर कंबाइंड दिया हुआ 32 दिया हुआ बराबर इसके बाद क्या दिया हुआ है दैट इज अ 31 ओके okay. एक्स बार 1 भी दिया हुआ है एक्स बार 1 कितना है 31 दिया हुआ है बराबर एक्स बार 1 31 दिया हुआ है ओके सो पुट द वैल्यू इन एक्स बार 1 31 बराबर फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स ओके तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स के आपको एवरेज मार्क्स फाइंड करना है तो सर आपको एक्स बार 2 दिया हुआ नहीं है आपको फाइंड क्या करना है एक्स बार 2 आपको फाइंड करना है जो दिया नहीं है ओके सो कैसे करेंगे इसको तो सी हियर यहाँ पे आपके पास कंबाइंड का फॉर्मूला क्या है कंबाइंड इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और सॉरी N1 इनटू एक्स बार 1 N1 इनटू एक्स बार 1 ऊपर आ रहा है प्लस N2 इनटू एक्स बार 2 आ रहा है नहीं आ रहा यहाँ पे कंबाइंड मीन फॉर्मूला क्या है N1 इनटू एक्स बार 1 प्लस N2 इनटू एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 ये आपका फॉर्मूला है ओके एक्स कंबाइंड कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है सो दैट गेट 52 ओके N1 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है सो पुट हियर 6 एक्स बार 1 कितना है 31 ओके सो पुट हियर 31 प्लस का प्लस N2 क्या फाइंड किया कितना है 24 24 एक्स बार 2 अपने पास नहीं है ओके सो एक्स बार 2 आपको फाइंड करना है एन1 कितना है 6 है उसको दिया है ओके सो 6 है एन2 कितना है 24 जो फाइंड किया दैट इज 24 अभी क्या करो 52 अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 कितना आया 186 आया ओके अभी हमें 24 एक्स बार 2 24 इंटू एक्स बार 2 24 एक्स बार 2 उसको ऐसे भी लेंगे 24 एक्स बार 2 ओके अभी नीचे क्या है 24 प्लस 6 कितना होता है 30 ओके सो 30 आ गया यहां पे अब 30 इनटू 52 करो कितना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई 1560 बराबर इज इक्वल टू 186 जो ऐसे का वैसे कुछ किया नहीं मैंने प्लस 24 एक्स बार 2 बराबर अभी ये जो वैल्यू सर आएगा माइनस हो जाएगा सो 1560 माइनस 186 इज इक्वल टू 24 एक्स बार ओके अभी इसका कितना आंसर 1374 इज इक्वल टू 24 एक्स बार ओके बराबर तो अभी लास्ट का तो सिर्फ एक्स बार 2 का वैल्यू फाइंड करना है ओके तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू दैट इज अ 57.25 या एक्स बार 2 ये जो वैल्यू है 1374 और ये जो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 24 कर दो आपको मिल जाएगा एक्स बार 2 कितना है 57